आज मैं आपके लिए आलू और सूजी से बना एक बहुत ही अलग किस्म का नाश्ता लेकर आया हूँ, जिसको बनाना एकदम ही सिंपल है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लगभग 2 या 3 बड़ी चम्मच तेल डालना है। फिर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट, यानी कि अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। और फिर हम यहाँ पर इस पेस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। जब यह पेस्ट सौते हो जाए तब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे एक अनियन यानी कि प्याज, और इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक यह सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक भी इस वक्त डाल सकते हो ताकि जो प्याज है ये फटाफट से पक जाए। जब प्याज हल्के से सुनहरे होने लगे तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 1 कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी साइज का कैरेट यानी कि गाजर। आप चाहो तो यहाँ पर इस रेसिपी में मटर या फिर मकई के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अब हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन वेजिटेबल्स को हमें तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। यहाँ पर आपको इस नाश्ते को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप यहाँ पर इसमें लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पर इस नाश्ते में आप चाहो तो गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हम लगभग 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो मसाले का कच्चापन है वो चला जाए। फिर हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको हम मिक्स भी करते रहेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस सूजी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये पानी पीकर अच्छे से फूल नहीं जाती। इसमें पानी डालते ही ये जो सूजी है ये पानी पीना शुरू कर देगी, और आप यहाँ पर इसको लगातार चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सूजी है इसे सारा पानी पी लिया है। तब हम यहाँ पर इसमें 2 या 3 उबले हुए आलू ऐड करेंगे, और इन आलूओं को हमें यहाँ पर इसमें ग्रेट करके डालना है। आलूओं को यहाँ पर ग्रेट करके हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें कोई भी आलू के टुकड़े ना रह जाए। यहाँ पर हम इसमें आलू इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग आ पाए। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है, तो इसको हम साइड पर रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पर मैंने एक ऐसी ट्रे ली हुई है, अगर आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो फिर आप यहाँ पर एक थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये जो नाश्ता है ये इसमें चिपके नहीं। अभी जो स्टफिंग हमने बनाया हुआ था वो हमें यहाँ पर इसके अंदर रखना है, और इसको हम हर तरफ इवनली स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर स्टफिंग पर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर सकते हो और फिर हाथों से इसको प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पर इस स्टफिंग को आपको फ्रीजर में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है बल्कि इसको फ्रीजर में रखना है। अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे तो फिर इसको काफ़ी टाइम लगेगा सेट होने के लिए, लेकिन फ्रीजर में ये सिर्फ 10 या 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाता है। यहाँ पर लगभग 10 या 15 मिनट हो चुकी है और ये जो नाश्ता है ये अच्छे से सेट हो चुका है। तब हम यहाँ पर एक चाकू की सहायता से इसको ऐसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। अब यहाँ पर एक पैन में आपको लेना है थोड़ा सा तेल, तो मैंने यहाँ पर इसमें लगभग 1 बड़ी चम्मच तेल का इस्तेमाल किया हुआ है। और अभी जो नाश्ता हमने बनाया हुआ था वो हमें यहाँ पर इसमें रखना है, और इसको हमें तब तक सेकना है जब तक इसकी जो हर एक साइड है वो ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इसको आपको स्लो फ्लेम पर सेकना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बन पाए। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकने जाओगे तो ये फटाफट से ब्राउन हो जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही सेकें। तो बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहिएगा, और इसकी ये जो साइड्स है इसको आप ऐसे सेक सकते हो। चले यहाँ पर जो नाश्ता है ये अच्छी तरीके से सेक चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर ये सूजी और आलू का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हो।